So here the answer key of the test 2. First of all, we have some question without numericals. The first one is the absolute permittivity of free space is given by. So most of the students have done correct the value of it. That is option D, 8.854 into 10 to the power minus 12 coulomb square per Newton meter square. Second, the relative permittivity of free space is given by 1. Same, the question is repeated, just only the word is changed, permittivity and dielectric. So the value of dielectric constant for vacuum is again 1. The question number 4. Here are some problem is there. The relative permittivity has the following units. So it is not absolute permittivity. Absolute permittivity is having the unit coulomb square per Newton meter square, but relative word, whenever the word relative comes, the all the physical unit, physical quantities having a relative word is having unitless. For example, we have done relative density also. Refractive index also, relative index is also, is again no unit. So the answer is D, no unit. Again, which medium has the least dielectric strength? So that is air or vacuum. So option D is air. Now we are moving on to few questions which are numerical based. So first of all, question number 6 is given. Here a charge which when placed in a vacuum from an equal and similar charge repels with a force of 9 into 10 to the power 9 is known as. Ab hamare paas yahan force ki value di hui hai 9 into 10 to the 9 aur q ki value kitni hai, jitna q1 hai utna hi q2 hai, dono ka repel kar rahe hain, matlab ki dono ki quantity bhi kya hai, same, unko ek fixed distance par rakha gaya hai, to hame pata karna hai wo kaun sa charge hoga. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सही किया हुआ है, तो इसका आंसर, इसको भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसका आंसर भी क्या है, माइक्रो कूलम. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, यहाँ से हमें सॉल्व करना पड़ेगा. तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमारा, अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ आर इनिशियली एट 50 mm अपार्ट एंड देन दे आर कम टू 10 mm अपार्ट. तो हमें बताना है कि अब जो फोर्स होगा वो कैसे चेंज होगा. तो हम जानते हैं कि जो फोर्स की वैल्यू होती है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. मतलब आर अगर बढ़ेगा तो एफ घटेगा, और अगर आर घटेगा तो एफ बढ़ेगा. यहाँ इस क्वेश्चन में आर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. कितने टाइम्स हो रहा है, 5 times. 50 से हो रहा है 10, मतलब 5 times डिक्रीज हो रहा है. तो जब ये डिक्रीज हो रहा है तो एफ क्या होगा, इंक्रीज. अब क्या ये डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के, नहीं, ये है 1/r स्क्वायर के. तो कितने टाइम होगा ये इंक्रीज, 5 square, मतलब कि 25 times. तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी, 25 times ग्रेटर देन. क्वेश्चन नंबर एट हमारा कह रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक्सपीरियंस कर रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ 1.8 × 10⁻¹⁹ N. एट अ डिस्टेंस दी हुई है, और उसके बाद हमने अगेन उसकी डिस्टेंस को चेंज कर दिया है, फिर हमें नया फोर्स पता करना है. लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कहीं भी चार्ज नहीं दिया हुआ है. मतलब कि हमारे पास अगर एक फोर्स दिया हुआ है 1.8 × 10⁻¹⁹ N, और डिस्टेंस दी हुई है, इनिशियल डिस्टेंस दी है 5 × 10⁻¹⁹ m. तो हम पहले पुट करते हैं फॉर्मूला, हमारे कूलम्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू 1/4πε₀ q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. हमने यहाँ k लिया हुआ है, f की वैल्यू पुट की, k की वैल्यू, q1 q2 नहीं पता है तो एज इट इज रखे, और r1 स्क्वायर की जगह 5 × 10⁻¹⁹ स्क्वायर रखा. तो हमें बस क्या नहीं पता है, ये नहीं पता है. तो हमने इसको इस साइड लेके गए और इसको इधर इस साइड ले आए, तो आंसर आ गया कितना, 1.8 × 10⁻¹⁹. और ये इसको हमने वैल्यू लगा ली. अब अगर हम बोलें कि अगेन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है जब इन्हीं चार्जेस को कितनी डिस्टेंस पर रखा जाए, कहीं नई डिस्टेंस पर, तो हम फिर से फॉर्म लगाएंगे, एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर टू स्क्वायर, मतलब कि नई डिस्टेंस. अब के क्यू वन क्यू टू की वैल्यू क्या है, ये जो हमने अभी निकाली हुई है, कितनी, ये इसको हमने यहाँ पुट कर दिया, 1.8 × 10⁻¹⁹, 5 का स्क्वायर 25, और 10⁻¹⁹ का 10⁻¹⁸. और आर की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 2 × 10⁻¹⁸. इट मीन्स अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 10⁻¹⁸ का 10⁻¹⁸, 1.8 × 25 अपॉन 4 सेपरेट कर लिया,
यहाँ माइनस 11 और माइनस 18 माइनस 29, और ये माइनस 16 ऊपर आएगा तो माइनस 29 प्लस 16, तो ये हमारा आ गया 11.1 इंटू 10 स्वा माइनस 13। या इसको हम साइंटिफिक मेथड में लिखें तो डेसिमल एक प्लेस यहाँ जाएगा और यहाँ एक पावर ऐड हो जाएगी, तो कितना जाएगा 1.11 इंटू 10 स्वा माइनस 12 न्यूटन। ऐसा कोई ऑप्शन दिया है हमारे पास? बिल्कुल, ऑप्शन ए दिया हुआ है 1.1 इंटू 10 स्वा माइनस 12 न्यूटन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8।